हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो फ्रेंड्स, फाइनल ईयर सीबीएसई की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है आप लोग के लिए। सीबीएसई का जो है एग्जाम को कैंसिल एंड पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग का किसका एग्जाम को कैंसिल और किसका एग्जाम पोस्टपोन्ड किया गया आज की वीडियो में बताऊंगा। एंड आप लोग देख सकते हो यार, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस मैं अभी खोल करके आप लोग बैठा हूँ। ये डेट 14 यानी कि आज का ही आया हुआ फ्रेंड्स, कुछ देर पहले आया हुआ नोटिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। यहाँ पे क्लास नोटिफिकेशन फर्स्ट में जो आया आप लोग देख सकते हो, लुकिंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक एंड स्कूल क्लोजर एंड थिंकिंग इन द एक्शन टू सेटिस्फाई एंड वेल बींग ऑफ द स्टूडेंट इट डिसाइडेड एज फॉलोज। मतलब जो यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों का फ्रेंड्स, कि आप लोग का जो क्लास यहाँ पे जो फर्स्ट नोटिस में लिखा होगा आप लोग का, कि यहाँ पे जो है क्लास 12th का जो एग्जाम होने वाला था 4th मई टू जून 14, उनका जो एग्जाम को भी पोस्टपोन किया गया। एंड आप लोग का जो एग्जाम है बाद में लिया जाएगा आफ्टर रिव्यूइंग द सिचुएशन को। फर्स्ट जून तक आप लोग का सिचुएशन यानी कोविड-19 का सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा। देन उसके बाद जो है आप लोग का यहाँ पे नया एक डेट शीट रिलीज किया जाएगा। ठीक है, नोटिस एटलीस्ट 15 डे बिल आप लोग का 15 डे पहले आ जाएगा। नोटिस 15 दिन पहले आएगा आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से। 15 दिन पहले आप लोग को नोटिस मिल जाएगा कि आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा एंड कब तक चलेगा। ठीक है, मतलब क्लास 12th वालों का एग्जाम को अभी पोस्टपोन किया गया है, नॉट कैंसिल। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम है अभी नहीं होगा। जून 1st अभी तक आप लोगों का रिव्यू किया जाएगा कोविड-19 सिचुएशन को। जैसा भी कोविड-19 का सिचुएशन रहेगा उस टाइप से आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, क्लास 12th वालों का। एंड गाइस, क्लास 10th वालों का तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गया, यानी बहुत ज़्यादा खुशी की बात आप लोग का है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। देखिए यहाँ पे कैंसिल लिखा हुआ है, द बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th हेल्ड फ्रॉम 4th मई टू जून 7। मतलब आप लोग का जो एग्ज़ाम है 4th मई टू 7th जून था, उसे कैंसिल किया गया। और जो रिजल्ट है आप लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्रिएशन बाय द बोर्ड, मतलब जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव कुछ क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद आप लोग का जो आप लोग का रिजल्ट को रेडी किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन भी और है फ्रेंड्स आप लोग का, एनी कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जो कैंडिडेट आप लोग नहीं सेटिस्फाइड रहोगे, ठीक है, एलोकेटेड आप लोग का जो भी मार्क्स मिलेगा अगर उससे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं रहोगे तो आप लोग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप लोग एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आप लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप लोग एग्जाम दे सकते हो। जब एग्जाम कंडक्टिव होगा, मतलब जब एग्जाम लेने जैसा रहेगा उसके बाद ही आप लोग एग्जाम लिया जाएगा, और उस टाइम आप लोग को सीट करने, मतलब आप लोग एग्जाम में बैठने का अनुमति दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी। ठीक है, कि आप लोग अपने एग्जाम में जाकर के बैठ सकते हो एंड अपना एग्जाम दे सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो यार, पूरा सीबीएसई का ऑफिशियल है। अगर नहीं पर आप लोग को विश्वास हो रहा है तो आप लोग सीबीएसई का ऑफिशियल साइट से भी जाकर कर डाउनलोड कर सकते हो। एंड आप लोग को मैं बहुत सारे ट्वीट्स अकाउंट भी दिखा दूंगा यार अभी, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहना। कि मतलब देखो, क्लास 12th वालों के एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है अभी 1 जून से पहले आप लोग का पूरा रिव्यू किया जाएगा कोविड-19 को, क्योंकि सिचुएशन उसका कैसा है। देन आप लोग को नया एक डेट शीट ला के दिया जाएगा, और डेट शीट 15 दिन पहले आएगा आप लोग का एग्जाम होने से। ठीक है, एंड क्लास 10th वालों का एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया, मतलब आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया ना। अब आप रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आप लोग का जो है बोर्ड की तरफ से एक सर्टेन, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सर्टेन आप लोग का डेवलप किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। ठीक है, देन आप लोग को उसी के बेसिस पर आप लोग को रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी स्टूडेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग जो है अपना एग्जाम रिटर्न एग्जाम दे सकते हो, जब आप लोग का एग्जाम कंडक्ट होगा और कंडक्टिव रहेगा, मतलब जो एग्जाम लेने लायक और लिया जाएगा, तो फिर आप लोग अपना एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग को कुछ ट्वीट्स भी दिखला देता हूँ यार। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे द हिंदू में आया हुआ फ्रेंड्स आप लोग का। ठीक है, हिंदू में 26 मिनट पहले आया हुआ ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा यही गया है कि क्लास 12th के एग्जाम को भी पोस्टपोन किया गया, क्लास 10th वालों के एग्जाम कैंसिल कर दिया ड्यू टू कोविड-19 का। ये जो मीटिंग है, एजुकेशन मिनिस्टर अनाउंसड आफ्टर रिव्यू मीटिंग चेयरमैन बाय पीएम, मतलब पीएम के साथ आप लोग हमारे पीएम के साथ मीटिंग हुआ था, सीबीएसई के चेयरमैन और एजुकेशन मिनिस्टर ये सारे जो भी वहाँ पर थे फ्रेंड्स उनके साथ मीटिंग हुआ था। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया क्लास 12th वालों का भी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, क्लास 10th वालों का एग्जाम कैंसिल किया जाए ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, एंड मैं आप लोग को और ट्वीट्स दिखला देता हूँ। देख सकते हो यार, अभी ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल की तरफ से ट्वीटेड है। ठीक है, ये भी यहाँ पे यही बात हुआ है कि आप लोग का एग्जाम को पोस्टपोन किया गया। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे भी वही चीज़ है। एंड मैं आप लोग को और दिखला देता हूँ। एंड देखो यार, ये आई एम ग्लैड टू एग्जाम, ये रमेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है कि आप लोग का 10th का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। मतलब आई एम ग्लैड दैट एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड, दिस इज अ ग्रेट रिलीफ ऑफ फॉर लैक ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का, जो क्लास 10th वालों का एग्जाम कैंसिल हो गया, क्लास 12th वालों का पोस्टपोन हो गया। चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके जाना एंड इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों से मत भूलना, ताकि उनको बताओ यार सभी पूरा इस वीडियो को वायरल करा दो एंड अपने दोस्तों हर
दोस्त के पास शेयर कर दो कि आपका एग्ज़ाम को 10th वालों को प्रमोट कर दिया है, 12th वालों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।